साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका किस चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं धार्मिक रहस्यों से संबंधित वेद पुराण शास्त्र में बताई गई ऐसी जानकारियां जो शायद आप नहीं जानते होंगे। साथियों आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में। घर हो या ऑफिस, हरे भरे पौधे लगाना हर किसी को पसंद होता है। हरे भरे पौधे ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि वे मन को भी सुकून देते हैं। यदि घर में पौधे लगे हों तो सकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ता है। कुछ पेड़ पौधे तो सिर्फ सजावट के लिए लगाए जाते हैं, वहीं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो घर में तरक्की, सुख समृद्धि और खुशहाली के आगमन में सहायक होते हैं। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधे बताए गए हैं जिनको घर में लगाने से समृद्धि और धन दौलत आती है। वास्तु के अनुसार घर में फूल वाले पौधे लगाने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। फूलों वाले पौधे तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, साथ ही इन्हें देखकर मानसिक शांति भी मिलती है। इन पौधों से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक पौधे की जिसका नाम है चंपा। जी हाँ, चंपा के फूल को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। इसके फूलों का इस्तेमाल पूजा के लिए भी किया जाता है। इसके फूलों में खुशबू होने की वजह से चंपा का पौधा वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। दूसरा पौधा है मोगरा। वास्तु के अनुसार मोगरे का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। मोगरे के फूल गर्मियों में खिलते हैं। इसकी भीगी भीगी खुशबू दिमाग को तरोताजा बनाती है और गुस्से को शांत करती है। अगला पौधा है गुलाब। ज़्यादातर लोग अपने घर में गुलाब का पौधा लगाना पसंद करते हैं। ये फूल औषधीय गुणों से भी भरपूर है। गुलाब की खुशबू में न सिर्फ मन शांत होता है बल्कि तनाव भी दूर होता है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही अन्य जानकारियों के साथ। अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।